जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मजदूर एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान। अभी क्या कहें, 11 महीनों से तो कृषि कानून तो आप सब मेरे सरकार कहता हूँ सारे जान गए और सरकार भी जानगी, लेकिन वो नाटक कर रही है जानबूझ के दिखावा करने की। और आज जो हम थाना में बैठे, तीसरा दिन हो गया, दिन तो तीसरा तो पूरा होने वाला है, तीसरी रात भी शुरू हो गई, लेकिन चिंता ना करो भाई, जब तक न्याय नहीं मिलेगा थाना छोड़ा को नहीं। आज मैं जाकी क्योंकि एक कजोड़ी कपड़े पहन के आई थी, न्यूना सोचा था कि ये इतना टाइम लाऊंगे, तो आज जाके घर जाके कपड़े भी ले आए, इतने कितने भी दिन लगा लो थाना में जब्बा लगना गए जब हमारे भाइया ने न्याय मिल जाएगा। और भाई खातर प्रार्थना करो सारे मिलके कि हमारा कुलदीप भाई तावड़ा सा ठीक होगी और हमारे बीच में आगे बैठे। ये सरकार निशाने पे रख रही है, जो जो क्रांतिकारी भाई हैं, जो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। अखिल के जो मेन लोग हैं, जो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, हकों की आवाज उठा रहे हैं, उन भाइयों को कुचलने का काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। कभी उनको जेल में ठूस दिया जाता है, कभी उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती है, लेकिन ये डराने की कोशिश ना करे सरकार। किसान डरने वाला नहीं है, 700 से ज्यादा कुर्बानियां दे चुके हैं किसान समाज, बहनों ने भी कुर्बानी दी है, भाइयों ने भी दी है, कुर्बानी देने से नहीं डरते, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे हम, अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। हम यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ भी गाड़ी चढ़ानी है तो चढ़ा दें, लेकिन हम थाना नहीं छोड़ेंगे। थाना तभी छुड़ेगा जब जिस गुनहगार के ऊपर FIR दर्ज होगी, और जो भी उस नेता के साथ आए थे उनके ऊपर, सबके साथ उन्होंने मिलके जो भाई के ऊपर हमला किया, जिससे मेरा भाई आज तक नहीं बोला है, ना उसने आंखें खोली है। तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं है इनके जुल्मों से, हम हार मानने वाले नहीं है। जितना जुल्म करेगी सरकार, उतना हमारा जोश और बढ़ेगा, और हमारी एकता को तोड़ने की बात करती है सरकार, उतनी हमारी एकता और मजबूत होती है। ये जाति धर्म के नाम पे हमें बांटना चाहती है, जाति सबकी एक है मेरे भाइयों। जब हम हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे होते हैं, खून की जरूरत पड़ती है हमें, कभी जाके कोई ब्लड बैंक में जाके कोई पूछता है मुझे ब्राह्मण का खून दे दो, मुझे ठाकुर का खून दे दो, मांगता कोई, या मैंने मुसलमान का चाहिए या हिंदू का, वहां जाके सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच करके किया जाता है। तो फिर हम क्यों लड़ा जब भगवान ने हमें एक बनाया है, तो ये सिर्फ नेताओं ने अपने फायदे के लिए हमें जातियों में बांट के रखा हुआ है, धर्म के नाम पे बांट के रखा हुआ है। और बोल जाए सरकार कितनी भी कोशिश कर ले आप बांटने के लिए, अभी किसान बटने वाला नहीं है। किसान पहली बार जागा है 70 सालों में, 70 सालों में बहुत आपने इस्तेमाल किया हमारे किसानों का, भोले भाले किसानों को, कभी तो BJP का झंडा पकड़ा दिया, कभी कांग्रेस का पकड़ा दिया, कभी इन्हें लोगों का पकड़ा दिया, कभी वहां बादल सरकार का पकड़ा दिया पंजाब में, अलग अलग झंडे उठा उठा के हमारा इस्तेमाल किया है। आज हम सिर्फ और सिर्फ अपनी किसानी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जितने अत्याचार करने हैं करे सरकार, ना तुम्हारी गोली से डरते हैं, ना तुम्हारी जेलों से डरते हैं, तुम्हारे थानों को तो हमने अपना घर बना लिया। 3-3 दिन तक हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ सोते हैं, यहाँ रहते हैं, हम डरने वाले नहीं है। ये सरकार भी जान चुकी है, सरकार के गले की हड्डी बन चुका है किसान आंदोलन। सरकार के समझ में नहीं आ रहा कि अभी कैसे पीछा छुड़ाया जाए, और हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। कृषि कानून वापस नहीं तो घर भी वापसी नहीं। सब भाइयों ने अपने आप में कसम खा रखी है, और इस कसम को हम आखिरी सांस तक निभाएंगे। जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद। मैं वही नारा फिर लगाऊंगी, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा